अन्योग हासिल। हाय गाइस। तो आज शो की शुरुआत करेंगी प्रियांशा। पिछले दो एपिसोड से इनको शेर और शायरी का भूत सवार था, आज देखते हैं क्या लेकर आई है मैडम हमारे लिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जोक्स। एक जोक सुनोगी? हमारे शेर से तो अच्छा ही है कि जोक ही सुना दो। तो मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। तो पत्नी बोलती है, सुनो जी, मैंने एक डिटर्जेंट से अपना एक सूट धो दिया और वो छोटा हो गया, अब बताओ क्या करूँ? तुम्हें बता दो। पति बोलता है, उसी डिटर्जेंट से नहा भी लो फिट आ जाएगा। सुपर गंदा। इसको कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। बड़ी मुश्किल से इसकी शेर व शायरी से छुटकारा मिला था मुझे, और अब इस मैडम को देखिए चुटकुला सुनाने की नई धुन सवार हो गई प्रियांशा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अर्ज किया है, फिर से सुनिएगा प्लीज। अर्ज किया है, महफिल में हमारे जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे? गजब बेइज्जती है। गौर फरमाइए, महफिल में हमारे जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे? किसी ने कहा, आप शायरी तो शुरू कीजिए, इतने मिलेंगे कि आप गिन ही नहीं पाएंगे। सुनाओगी तो जितने जूते पड़ेंगे। अरे अरे अरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जो होना होगा वो तो लीजा को होगा, जिसका सीक्रेट सबके सामने आ गया, वो भी सिर्फ एक ही गलती की वजह से। हाँ, लीजा की दोस्त की वजह से उसका और उसके जो बॉयफ्रेंड है एनोल्ड, उसकी डेटिंग का सीक्रेट बाहर आ गया है। वो कैसे? सबसे पहले देखिए लीसा की एक खूबसूरत सी फोटो, जिस पर कैप्शन लिखा है, फाइंड योरसेल्फ अ फ्रेंड हु इज विलिंग टू स्प्लिट हर लेग्स जस्ट टू टेक अ फोटो ऑफ यू। पर इस फोटो में एक खास चीज है जो आप शायद मिस कर रहे हैं, वो है लीसा के फोन कवर पर बने ये इनिशियल्स, विच सेज FA। दिस इज सेड टू बी द एब्रिविएशन ऑफ द नेम ऑफ लीसाज बॉयफ्रेंड फ्रेडरिक आर्नोल्ड। जब दोस्त ही ऐसे हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज तो हमने देख भी लिया जिस बात को ब्लैक पिंक की लीसा ने दुनिया से छिपाया, उस बात को दोस्त ने पूरी दुनिया के सामने उगल दिया। लीसा और फ्रेडरिक को लेकर डेटिंग की खबरें खूब उड़ी हुई थी, दोनों को कई बार, कभी पेरिस में तो कभी अमेरिका में एक साथ घूमते हुए स्पॉट किया गया। हालांकि लीसा की एजेंसी ने डेटिंग की खबर को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। इनफैक्ट बीच में दोनों के अलग होने की खबर भी आई थी, लेकिन ये फोटो देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि दोनों ने कभी भी ब्रेकअप किया होगा। अब चलिए आपको बताते हैं इस खबर का बैकग्राउंडर। On April 13th and 14th, Lisa from Blackpink came to California, USA to enjoy the largest music festival on the planet, which was Coachella 2024. इस शो को देखने के लिए लीसा अपनी मैनेजर एलिस और अपनी बेस्ट फ्रेंड सॉर्न के साथ पहुंची थी। दोस्त को यूएस में देखकर सॉर्न इतनी खुश हुई कि उन्होंने लीसा की एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी, पर उस तस्वीर में लीसा का फोन ढकना भूल गई, जिन पर बने इनिशियल्स को देखते ही लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि लीसा के बॉयफ्रेंड आर्नोल्ड ही हैं। अपनी ये गलती रियलाइज करते ही सॉर्न ने फौरन वो पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सॉर्न की इस गलती के लिए फैंस ने उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी बात पर एक और जोक याद आया मुझे, सुनाओ, सुनोगे? अब सुनाई दो, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो पहला दोस्त बोलता है, भाई मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसे तू आर पार देख सकता है। दूसरा दोस्त बोलता, ऐसी क्या चीज बनाई है तूने, मुझे भी बताओ। मुझे भी जानना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे खिड़की। खिड़की इज द आंसर। अरे सर सुन रहे हैं आप, कैमरा बंद कर दीजिए, ये शूट नहीं हो पाएगा आज, ये अगर इस तरीके से करती रहेगी। एक काम करो, इतना टिकट बुक करा दो, इसको मैं लेके बरेली जा रही हूँ पागल खाने, प्लीज जल्दी कर दो। ट्रेन क्यों, फ्लाइट से चलते है ना। वैसे एक बात बताओ, ट्रेन से मुझे याद आया, ट्रेन को कोरियन में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं गीचा।
गीचा। तो गीचा से क्यों, फ्लाइट से चलते हैं ना। गीचा गीचा ओके चलो गीचा से नहीं फ्लाइट से चलते हैं अब, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो। अच्छा अच्छा चलो चलो जोक्स अपार्ट, अभी तक तो मैं मस्ती कर रही थी। वैसे अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ी ही हार्ट ब्रेकिंग खबर आई थी जिसको देखकर मेरा दिल तो बड़ा बैठ गया। मैं समझ गई तुम किस खबर की बात कर रही हो। फ्रेंड्स आपको बता दें कि के ड्रामा आइडल्स इतने इनह्यूमन हो जाते हैं कभी कभी कि अगर उनकी परफॉर्मेंस के बीच में किसी को कुछ हो जाए तो वो उसे भी इग्नोर कर देते हैं और शायद उनको छोड़ के वो अपने गाने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परफॉर्मेंस बीच में नहीं छोड़नी, शायद उनके ऑडियंस चले जाएंगे या हो सकता है उनकी एजेंसी उनसे ये करवाती हो कि कुछ भी हो जाए द शो मस्ट गो ऑन। हाँ एग्जैक्टली, द शो मस्ट गो ऑन वाली कहावत हर जगह तो नहीं चलती ना, कभी कभी ह्यूमैनिटी भी दिखानी पड़ती है। आपको पता है क्या हुआ था एक बैकग्राउंड डांसर के साथ, दिखाते हैं इन सबको। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक कहावत बड़ी ही पॉपुलर है, द शो मस्ट गो ऑन, लेकिन लगता है वाकई लोग इसको लिटरल सेंस में लेने लगे हैं। चकाचौंध से भरी इस दुनिया में दौलत शोहरत तो है लेकिन दिल नहीं है किसी के पास। हाल ही में के-पॉप शो का एक बड़ा ही दर्दनाक वीडियो सामने आया जहां स्टेज पर एक के-पॉप ग्रुप पूरे जोश में परफॉर्म कर रहा था। चमकती लाइट्स, बेहतरीन म्यूजिक और लंबा चौड़ा स्टेज पर मौजूद खूबसूरत आइडल्स, परफॉर्मेंस पूरे जोर शोर से चल रहा था और लोग इंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन तभी इस बीच इन आइडल्स के पीछे नाच रही एक डांसर अचानक से गिर पड़ी। द शो कंटिन्यू टू प्रोग्रेस व्हाइल द डांसर कोलैप्स्ड ऑन द ग्राउंड हैविंग अ सीजर। उस बेचारी को गिरे हुए काफी वक्त हो गया और किसी ने ये जहमत तक नहीं उठाई कि शो को रोककर उस लड़की की मदद करे, ना आइडल्स ने और ना ही शो से जुड़े किसी स्टाफ ने। शो ऐसे ही चलता रहा, आइडल्स नाचते रहे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी एक दूसरी को डांसर से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने स्टेज पर गिरी डांसर को धीरे से घसीटकर स्टेज के पीछे किया। उसके बाद जाकर इवेंट का स्टाफ आया, तब जाकर उस बेचारी बैकग्राउंड डांसर को मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाया। ये सब देखकर नेटिजंस काफी अपसेट हो गए। लैक ऑफ ह्यूमैनिटी शोड बाय द स्टाफ एंड फेलो मेंबर्स इज सीरियसली नॉट एक्सेप्टेबल। दे फेल्ट द स्टाफ एंड द आइडल्स प्रायोरिटाइज द परफॉर्मेंस ओवर द सेफ्टी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। और सिर्फ यही नहीं, उनको ये भी लगा कि द शो मस्ट गो ऑन शुड नॉट अप्लाई टू डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। बताओ ऐसा भी क्या प्रोफेशनलिज्म कि अपने ही स्टाफ को मरती हालत में छोड़ दिया। ये लोग बस ना ऊपर ऊपर से अच्छे दिखते हैं प्रियांशा, तुम्हें इतने पसंद है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अंदर से कितने इनह्यूमन है यार, ये कोई तरीका होता है? मुझे लगता है कि ये आइडल्स अपनी एजेंसी से ना काफी डरते हैं, मतलब उनकी इजाजत के बिना ये इधर उधर तक भी नहीं जा सकते हैं। आपको क्या लगता है शो रोककर उस लड़की की मदद करते? नहीं नहीं भाई नेवर। खैर छोड़ो, क्या आप जानते हैं वो कौन सी सीरीज है जो इस समय नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 की पोजीशन पर चल रही है? आई थिंक मुझे पता है। आपको तो सब पता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ड्रामा देखती हूँ। ये वो सीरीज है जिसने गॉब्लिन को भी पीछे छोड़ दिया। एग्जैक्टली। तुमने देखी है गॉब्लिन? हाँ हाँ मैंने देखी है, जो बहुत अच्छी लगी। और अब जिस सीरीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, माना जाता है कि उसने गॉब्लिन को भी पीछे छोड़ दिया और भी जितनी अच्छी सीरीज है उन सबको भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन नंबर 1 की पोजीशन पे नहीं आई। नंबर 2 पे जो सीरीज थी उसका रिकॉर्ड उसने तोड़ा, लेकिन नंबर 1 पे जो सीरीज थी उसका रिकॉर्ड वो अभी 3-4 साल से तो नहीं तोड़ पाई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सस्पेंस से हम पर्दा उठाते हैं और दिखाते हैं आपको ये खबर। The latest episode of Queen of Tears scored an average nationwide rating of 20.7%, marking a new all-time high for the show. यानी कि इस समय इस K-drama की viewership अभी तक की second highest है।
माना जा रहा है कि क्वीन ऑफ टीयर्स ने व्यूअरशिप के मामले में गॉब्लिन को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी पोजीशन अब तक कोई भी के ड्रामा हिला नहीं पाया था। लेकिन अब किम सो ह्यून एंड किम जी वॉन की केमिस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पर अब आपके मन में चल रहा होगा कि नंबर वन पोजीशन पर कौन सा ड्रामा है? एनी गेसेस? शायद डिसेंडेंट्स ऑफ द सन और मे बी किंग द इटर्नल मोनार्क। लेकिन नहीं, ये दो ड्रामा भी क्रैश लैंडिंग ऑन यू की नंबर वन की पोजीशन को हिला नहीं पाए, विच अर्न्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेशन वाइड एवरेज ऑफ 21.7% फॉर इट्स सीरीज फिनाले बैक इन 2020। Meanwhile, KBS 2 TV का नया रोमांटिक ड्रामा ब्यूटी एंड मिस्टर रोमांटिक जंप टू एन एवरेज नेशन वाइड रेटिंग ऑफ 16.8% फॉर इट्स लेटेस्ट एपिसोड। वैसे एक बात तो है कि के ड्रामा जितना पॉपुलर है और दिन पर दिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और नए नए फैंस क्रिएट होते जा रहे हैं। आई मीन तुम देखो, पहले हम जैसे लोग फैंस थे, अब वो 13-14 साल की लड़कियां फैंस हैं, फिर वो मैं देख रही हूँ 7-8 साल के बच्चे तक उसके फैंस हो जा रहे हैं। लोग सेलिब्रिटीज को तो छोड़िए, उनके पेट्स के नाम के अकाउंट को भी फॉलो कर रहे हैं। दे आर इवन फॉलोइंग देयर पेट्स ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। और इस पेट के नाम से, वो इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि जंगकुक ने अभी एक नया अकाउंट खोला है। जानती हूँ किसका? अपना नहीं, अपने कुत्ते का। उसका नाम है बैम। ये सही है यार, इनके तो मतलब कुत्तों का के अकाउंट्स पे भी मिलियंस की रीच है और इतने लोग फॉलो करते हैं इनको। तो हमारे दोनों के अकाउंट्स को मिला के भी इतने नहीं होंगे जितना उसके जंगकुक के कुत्ते के हैं। हाँ यार, मेरे तो काफी कम फॉलोअर्स हैं। बट छोड़ो यार, मतलब ऐसे तो डिप्रेशन होने लग जाता है। क्विज खेलते हैं, चलो क्विज टाइम। तो आज के आपका क्विज का क्वेश्चन है कि बैक को कोरियन में क्या कहते हैं, और इसके ऑप्शंस आपको देंगी ये। सो इसके आपके पास हैं तीन ऑप्शंस। पहला है दाबांग, सेकंड है मुल, और थर्ड है छेकसांग। अरे हाँ, जाने से पहले पिछले हफ्ते पूछी गई क्विज का जवाब भी पूछोगी तुम? अरे हाँ, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि पेंसिल को कोरियन में क्या कहते हैं, और उसका जवाब है योनपिल। योनपिल। तो चलिए गाइस, आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप नाउ। अब हम चलते हैं और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक विद अ न्यू क्विज एंड सम ट्रेंडिंग न्यूज एंड गॉसिप्स फ्रॉम द के वर्ल्ड। तब तक हमारी प्रयाशा थोड़ी ठीक हो जाए। इसका जो ये भूत है कभी शेर व शायरी सुनाने का, कभी बैड जोक सुनाने का, वो तब तक हो सकता है। अरे मुझे आप बताना जरूर, अगर आप लोगों को मजा नहीं आता ये सब सुनने में तो मैं नहीं सुनाऊंगी। अगर आता है तब तो फिर आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस नाउ। बाय बाय, टेक केयर।